हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम 24 और 25 फरवरी के एमसीक्यू कवर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यू हैं, यूपीएससी के लिए स्पेशल एमसीक्यू मैं लाता हूँ आपके लिए। और हमारा जो भी बैकलॉग है हम अगले 15 दिन से 17 दिन के बीच में ख़त्म कर देंगे। तो 24 और 25 के द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस से ये बनाए हुए एमसीक्यू हैं। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। स्टडी आईक्यू की सेल बस 3 दिन और है, 24 तारीख की मध्यरात्रि तक हमारी सेल है। यूपीएससी, बैंक पीओ, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप हमारा पेनड्राइव कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है tirelesssoul, या ट्विटर पर मेरी आईडी है gaurav.garg888। आज का जो पहला सवाल है ये जो यूपीएससी का पेपर था सन 2000 का यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर, उसमें एक क्वेश्चन आया था। युगोस्लाविया आप जानते हैं पहले बटा हुआ नहीं था, तो जब संगठित या जो एकजुट युगोस्लाविया था तो उसके चार प्रोविंस बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और युगोस्लाविया को आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है। यानी सबसे पूर्व में कौन सा आता है, फिर पश्चिम में, फिर पश्चिम में और फिर पश्चिम में, तो ऐसे लगाना है। यानी ये सबसे ईस्टर्न होगा और ये सबसे वेस्टर्न होगा। तो अगर आपको मैप पता है तो आप कर सकते हो, मैप नहीं पता तो आपको कोई चांस नहीं आप इस क्वेश्चन को कर सको। अच्छी बात यह है कि इसमें जो ये प्रोविंस हैं इनमें ये आज भी हैं, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। तो अगर आपको यूरोप का मैप पता है तो ये क्वेश्चन आसान है। आपको खैर मैप दिखा देता हूं। अब ये आप जैसे जैसे राइट की तरफ जाओगे, मतलब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो ये वेस्ट हो गया। कोई भी मैप को देखने का तरीका ये होता है। और इसमें आपको ईस्ट से वेस्ट लगाना है, यानी सबसे वेस्टर्न कौन सा है, स्लोवेनिया सबसे वेस्टर्न, और स्लोवेनिया के बाद कौन सा हो गया, क्रोएशिया, CS। अगर आप इतना भी कर दें तो आंसर आ जाएगा। सबसे राइट में होगा स्लोवेनिया, तो स्लोवेनिया नंबर 3 एंड में होगा। तो यानी कि या तो आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, और इसके पहले होगा क्रोएशिया। यानी यहाँ पे 3-2, यानी ये इन दोनों में से। अब आपको 1 और 4 और 4 1 1 में से डिसाइड करना है। यानी आपको बोस्निया और युगोस्लाविया में देखना है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं बोस्निया और युगोस्लाविया में, ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और उसके बाद में फिर है, यानी क्रोएशिया से जो एकदम जुड़ा हुआ है ये है बोस्निया। तो इसके बाद आएगा बोस्निया यानी 1। तो इसका आंसर हो गया 3-2-1-4, यानी कि ये सबसे ईस्ट और ये सबसे वेस्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं पहले सवाल पे। ये जो सवाल है ये एक आर्टिकल था जिसमें एक राज्य है जिसकी सरकार 22 तारीख को हर साल मनाएगी अब से राइनो डे। राइनो बोलते हैं अंग्रेजी में गैंडा, ये एक जानवर होता है, ये एक स्तनधारी जीव है, मैमल है, गैंडा बोलते हैं इसे, और एक सींग का गैंडा पाया जाता है असम में। तो सबसे पहला है कि इंडियन राइनोसेरोस, जिसको बोलते हैं राइनोसेरोस यूनिकॉर्नेस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम जब होता है तो दो अक्षरों का बनता है, जैसे होमोसेपियंस। इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है लीनियस। ये लीनियस ने सिखाया था हमें ऐसे लिखना। और इंडियन राइनोसेरोस का जो IUCN स्टेटस है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने जो इसको स्टडी किया है और इसको एक स्टेटस दिया है रेड लिस्ट में, वो है वल्नरेबल। ये बिल्कुल ठीक है, ये वल्नरेबल है यानी संवेदनशील है। वल्नरेबल के बाद होता है एंडेंजर्ड, फिर होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और फिर होता है लुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो अति लुप्त प्राय होता है, और एंडेंजर्ड मतलब जो लुप्त प्राय होता है। दूसरा, त्रिपुरा की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो 22 सितंबर को राइनो डे मनाएगा, तो ये गलत है, ये असम की सरकार मनाएगी। त्रिपुरा का जो स्टेट एनिमल है वो है लंगूर, एक फेयर्स लंगूर होता है, विशेष किस्म का लंगूर, वो त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है। और असम का स्टेट एनिमल है वन हॉर्न राइनो। असम में ये पाया जाता है मनास में, मनास नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इत्यादि। सो इसमें बी गलत है, ए ठीक है, आंसर है सी, ओनली ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक काफी जबरदस्त रिसर्च हुआ है अभी। आपको पता होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चली हुई है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो चूल्हे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है और लकड़ियाँ वगैरह भी खत्म होती हैं और जंगलों को नुकसान होता है, बल्कि LPG गैस सिलेंडर यूज़ करें। तो इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चली हुई है। इसका जो रिवाइज टारगेट है वो 2022 तक पूरा किया जाएगा। रिवाइज टारगेट का मतलब ये है, पहले इसका टारगेट था 5 करोड़ गैस के सिलेंडर का, इसे बजट 2018 में बढ़ा के कर दिया था 8 करोड़ गैस के सिलेंडर बांटे जाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। ये टारगेट पूरा होगा 2020 तक, ना कि 2022 तक। तो ये गलत है, ए ही गलत है। दूसरा वाला ये है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, CCEA, उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का टारगेट 5 करोड़ से बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया था, ये ठीक है। और आखिरी ये है जो इस आर्टिकल की जान है, सेंटेंस, कि एक रिसर्च हुआ है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के वैज्ञानिक ने करा है,
इन्होंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में स्टडी करा गांव-गांव में जाके कि क्या वास्तव में लोग जिनको ये फ्री हमने सिलेंडर दे दिया गैस का, क्या वो वाकई में इसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कई लोग नहीं कर रहे, और इसलिए नहीं कि बल्कि उनको इंडोर एयर पोल्यूशन जो है उन्हें उसके बारे में पता नहीं, बल्कि उनको मानना ये है अगर हम चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं तो चूल्हे से खाने में जो टेस्ट है वो अलग होता है। कई लोगों को चूल्हे का खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उनके पास एलपीजी गैस का सिलेंडर है उसके बावजूद वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो चूल्हे पे खाना पकाना चाहते हैं। ये रिसर्च हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में ये लिखा है कि जो डेंजर फ्रॉम इंडोर एयर पोल्यूशन है, यानी जो घर के अंदर चूल्हा जलाने से पोल्यूशन हो जाता है, वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो एलपीजी स्टोव यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है लोगों के लिए। लोगों के लिए फैक्टर है कि जो खाने का टेस्ट है या जो दूसरी चीज़ें हैं, तो जो टेस्ट ऑफ फूड, या आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं ये तीसरे वाले जो इसमें दूसरी लाइन है ऊपर से, टेस्ट ऑफ फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो इसमें सिर्फ बी ठीक है, आंसर है सेकंड, ओनली बी इज करेक्ट। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। भारत ने अभी अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल है धनुष, उसका सक्सेसफुल परीक्षण करा। तो अब इसमें पहला है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक आर्क लाइक ट्रेजेक्टरी उनकी होती है, यानी आप आर्क लाइक मतलब क्या है, इस तरह की शेप होती है। आप बैलिस्टिक मिसाइल अगर यहां से दागोगे तो पहले ऐसे जाएगी और फिर ऐसे नीचे आएगी, और ये जो धरती की ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये हम ऊपर छोड़ते हैं फिर ये नीचे आती है, तो धरती की ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है और इसकी आर्क लाइक ट्रेजेक्टरी होती है। ये दोनों सेंटेंस एकदम ठीक है। धनुष मिसाइल का दूसरा नाम है पृथ्वी तृतीय, इसको हम धनुष मिसाइल भी बोलते हैं, और ये एक हमारी जल सेना के लिए खुद का बनाया हुआ पृथ्वी टू मिसाइल का ही एक वेरियंट है, ये भी ठीक है। इसको अभी अभी हमने उड़ीसा से फायर करा था और इसकी क्षमता है 350 किलोमीटर। भारत का जो इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IGMDP, उसमें ये पांच मिसाइल हैं, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग और धनुष। तो ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। एक मिसाइल और होती है बैलिस्टिक, वो एकदम सीधी जाती है, उसका कोई आर्क लाइक ऐसे नहीं जाता, वो एकदम सीधी जाती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब आते हैं चौथे सवाल पे। ये था पावर सेक्टर के बारे में। पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और हमारे बजट में एक योजना स्टार्ट करी थी जिसका नाम था कुसुम, तो ये उसी के ऊपर है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो सरकार है उसका टारगेट है 10 लाख सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप इंस्टॉल करने का, 1 मिलियन 10 लाख 2022 तक। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये गलत है, ये 2022 तक नहीं है, ये 2021 तक है टारगेट। सरकार कह रही है कि 2021 तक वो 10 लाख सौर ऊर्जा से चलने वाले जो हैंडपंप हैं, जो दूसरे तरह के पंप हैं जो खेतों में यूज होते हैं, मोटर वाले पंप, वो सब सौर ऊर्जा से चलेंगे, उनको वो लगाएगी। दूसरा ये है कि जो कुसुम की फुल फॉर्म है वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। मैं रिपीट करता हूँ, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये ठीक है। कुसुम जो है इसके तहत सरकार 28 गीगावाट कंबाइंड सोलर कैपेसिटी जनरेट करेगी इन सोलर पंप से, 28 गीगावाट, ये भी ठीक है। बजट 2018 में कुसुम योजना के लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें बी सी डी तीनों ठीक है, आंसर है इसका सेकंड। सिर्फ ए गलत है, इसमें 2022 नहीं है, 2021 है। एक योजना सरकार ने और चला रखी है, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ये अभी जो उड़ीसा और बंगाल दो राज्य हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया इसे, और उड़ीसा, बंगाल और केरल ये तीन राज्य हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम ज्वाइन नहीं करी है, जिसमें सरकार ने 115 जो पिछड़े हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनका विकास करने का सोचा है, 115। तो अभी 115 से नंबर इनका घट के हो गया 102, क्योंकि उड़ीसा, बंगाल और केरल ने भाग लेने से मना कर दिया है। अब अगले सवाल पे आते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आर्टिकल, काफी ज्ञानवर्धक था। इसमें ये कहा गया था कि जब हम आजाद हुए, देखिए भारत में आज भी ज्यादातर बिजली बनती है कोयले से, तो जब हम आजाद हुए, भारत आजाद हुआ, तो जब जो ठेका था कोल की माइंस का, यानी कोयला निकालने का, वो सब करने का, कोल की माइनिंग करने का, खदानों का, वो दिया जाता था प्राइवेट कंपनियों को भी और सरकारी कंपनियों को भी। सरकारी कंपनी सिर्फ एक है, कोल इंडिया लिमिटेड। तो बाद में इंदिरा गांधी ने क्या करा कि प्राइवेट कंपनियों को मना कर दिया कि तुम्हें ठेका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही कंपनी का आधिपत्य हो गया, पूरा मोनोपोली हो गई, एक अधिकार हो गया जिसका नाम था कोल इंडिया। तो इंदिरा गांधी ने क्यों किया, क्योंकि इंदिरा गांधी का मानना यह था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो फिर कोयले को दूसरे कामों के लिए यूज करेंगी, सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, और भारत में बिजली की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रही है हमेशा से, तो कोयला सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूज होना चाहिए, दूसरे कामों के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दोबारा सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको अलाउ कर दिया है। तो कोल माइंस बिल 2015 ये पास हुआ, पुरानी कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 को रिमूव करने के लिए, उसको अमेंड करने के लिए, और माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 में संशोधन करने के लिए। ये बिल्कुल ठीक है, ये नाम याद रखिए कि जो विधेयक था 2015 नाम है इसका, और जो पुराना कानून है, अधिनियम है, ये 1973 का है। जो 204 माइन ऐसी हैं जिनका एलोकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करा है, हम इनको
एक्ट 2015 के हिसाब से शेड्यूल आई कोल माइन बोलते हैं, शेड्यूल आई कोल माइन, ये भी ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट एन एग्रेसिव पुश फॉर रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर सोर्सेज, भारत नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर सोर्सेज और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर काफी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज 70% जो भारत में बिजली बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है जो कोल से चलते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी भारत में 70% जो बिजली बनती है वो आज भी कोयले से बनती है, तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट, ये तीनों ही ठीक है। अब आते हैं छठे सवाल पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अंदर ये योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है अम्मा टू व्हीलर स्कीम। अम्मा, अम्मा बोलते थे जयललिता को, जो जिनका देहांत हो गया, अब एडापड़ी पल्ला स्वामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो अम्मा टू व्हीलर स्कीम के तहत हर उपभोक्ता यानी बेनिफिशियरी जो इसका होगा, जो भी लाभान्वित होगा व्यक्ति, उसे 50% जो टू व्हीलर है उसकी कॉस्ट दी जाएगी या 25,000, जो भी इनमें से कम हो, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो ये महिलाओं के लिए करी है, उनको स्कूटर वगैरह दिया जाएगा, स्कूटर के लिए 50% कॉस्ट सरकार ढोएगी या फिर 25,000 रुपये, इनमें से जो भी कम है। हर साल 50,000 महिलाएं जो हैं उन्हें कवर किया जाएगा स्कीम के तहत। बी ऑप्शन गलत है, हर साल 1,00,000 महिलाओं को कवर किया जाएगा। तो इसमें ए ठीक है, बी गलत है, आंसर इसका सी, ओनली ए इज करेक्ट। अब आते हैं सातवें सवाल पे। ये एक नया पौधा मिला है जिसका नाम है ट्रिप्टस कलामी, इसका नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने नया पौधा जो खोजा है, ये ट्रिप्टस कलामी, ये पश्चिम बंगाल में खोजा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये पौधा यूनिसेक्सुअल है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसमें सेपरेट मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ये भी ठीक है। ये जो पौधा है इसका एक क्लोज रिलेटिव है पौधा जिसे बोलते हैं पुत्र जीव संस्कृत के अंदर, ये भी ठीक है, ये से बिल्कुल मिलता जुलता है। और जो प्लांट स्पीशी है ये डिस्कवर हुई है बक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दापारा नेशनल पार्क में, ये भी ठीक है। ये दोनों बंगाल के अंदर है, बक्सा टाइगर रिजर्व, जल्दापारा नेशनल पार्क, इसके अलावा न्योरा वैली नेशनल पार्क भी है वहां पे बंगाल के अंदर। तो इसमें सारे ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। अब आते हैं आठवें सवाल पे। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भारती दर्शन यूनिवर्सिटी है, भारती दर्शन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली में, इसके बारे में, इसके जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक रिसर्च करा है, उसके बारे में आपको बताना है। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कोरोजन, जैसे लोहे को जंग लग जाता है वो भी एक तरह का कोरोजन है, यानी जब कोई चीज खराब हो जाती है उस पर जंग लग जाता है, जब वो वियर एंड टियर उसमें हो जाता है, जब उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, जब उस पर पौधे उग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो जहाज है हमारे, जो समुद्र में जहाज जाते हैं तो जहाज बने होते हैं धातु के, और जब ये धातु पानी के टकराव में आती है और नमी के टकराव में आती है, हवा लगती है इस पे, तो जहाज की जो तलह है, जहाज की जो सतह है नीचे जो, वो खराब हो जाती है। तो इसमें जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो फाउलिंग एजेंट को मार सकते हैं, जैसे बारनेकल और बायोफिल्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया को, ये रिसर्च करा है, ये बिल्कुल ठीक है। एक सीवीड है जिसका नाम है टर्बिनेरिया ऑर्नाटा, ये एंटी कोरोजन में काफी अच्छा है माइल्ड स्टील के ऊपर, ये भी ठीक है। बेसिकली भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक समुद्री पौधा है जिसे सीवीड बोलते हैं, वीड मतलब होता है खरपतवार, तो समुद्र में जो ऐसे पौधे उग जाते हैं अपने आप वो सीवीड होते हैं, उनसे केमिकल निकाला है, ये जो कोरोजन है उसे रोक सकता है, जो धातु की कोरोजन होती है, धातु का खराब होना उसे रोक सकता है, एंटी फाउलिंग एजेंट को खत्म कर सकता है, एंटी फाउलिंग एजेंट को मार सकता है, फाउलिंग एजेंट को। तो एंटी फाउलिंग एजेंट क्या होता है? एंटी फाउलिंग एजेंट एक वो सब्सटेंस होता है जो मैरीन अंडर वाटर ग्रोथ ऑन प्लांट्स, रॉक, शिप बॉटम वगैरह उसको कम करता है, यानी कि जो समुद्र में भूमिगत जो पानी के नीचे जो मैरीन समुद्री जो पौधे उग जाते हैं चट्टानों के ऊपर, जहाज के ऊपर, जो समुद्र की सतह पे पानी के नीचे तट, उनके जो नीचे बोलते हैं जैसे फ्लीट, जो सब बिल्कुल नीचे होता है, जो मिट्टी वाला एरिया होता है समुद्र के नीचे, तो वहाँ पे जो उग जाते हैं उन्हें ये कम करता है एंटी फाउलिंग एजेंट। और जो करते हैं इसको प्रोमोट, जैसे बायोफिल्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, बारनेकल वगैरह, उनको बोलते हैं फाउलिंग एजेंट, ये भी ठीक है। तो ये एक एंटी फाउलिंग एजेंट का काम करता है एक तरह से, सीवीड का एक्सट्रैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उन्होंने केमिकल का यूज एंटी फाउलिंग एजेंट के तौर पर रोक दिया है, क्योंकि अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जहाज वगैरह को साफ करने के लिए, उनपे से बैक्टीरिया वगैरह ये सब हटाने के लिए, या जो पौधे वगैरह उनको हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए, तो वो रसायन जो है वो हमारे समुद्रों को खत्म करते हैं, उनमें पॉल्यूशन करते हैं, ये भी ठीक है। इसीलिए अब हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स की जरूरत है जो हमें मिलते हैं समुद्री पौधों से। तो ये सारे स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये क्वेश्चन है टर्की के ऊपर, टर्की जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। टर्की के ऊपर एक आर्टिकल था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। टर्की कौन से दो समुद्र के बीच में लोकेटेड है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज और मेडिटेरेनियन सी, और गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी। तो मैप देख लो भाई यहाँ पे टर्की का, ये फोटो विकिपीडिया से लिया है मैंने। ये टर्की है लाल रंग में, ये लाल रंग में है टर्की, और ये ऊपर है ब्लैक सी, और ये नीचे है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी। तो इसका आंसर क्या हो गया?
इसका आंसर हो गया ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी. ब्लैक सी है इसके नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन सी है इसके साउथ में. यहां पे आप और क्लियर आपको दिख जाएगा, ये टर्की है, ये मेडिटेरेनियन सी नीचे है और ये है ब्लैक सी. टर्की के जो पश्चिम में है एइगियन सी, ये आप देख सकते हैं यहां पे एइगियन सी. एक और मैच द फॉलोइंग आपको करना है, इनमें से आपको बताना है कि बेसिकली कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कार्डमम हिल की. कार्डमम हिल मतलब जो इलायची की खेती होती है, कार्डमम बोलते हैं इलायची को, तो ये कार्डमम हिल जो है इनकी खेती होती है केरल में. ये हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, ये केरल है, ठीक है, ये केरल है पूरा, तो केरल में होती है कार्डमम हिल, तो ये केरल में है. ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट इसको बोलते हैं. एक्चुअली चोला एम्पायर जो था, चोला वंश का जो एरिया था उसे हम बोलते थे चोलामंडल. तो फिर पुर्तगाली यहां पे आ गए, उन्होंने चोलामंडल को बोलना शुरू कर दिया कोरामंडल. तो चोला एम्पायर का जो वंश था वो ये यहां पे था, इस तट पे, इसको बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट. इसमें ज्यादातर हिस्सा तमिलनाडु का है और उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा ऊपर आंध्र प्रदेश का है. तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कार्डमम हिल तो पश्चिमी तरफ है और कोरामंडल कोस्ट यहां पे है, तो ये सही मैच नहीं है, ए सही मैच नहीं है. दूसरा कैमूर हिल, ये कोंकण कोस्ट पे है. कोंकण कोस्ट ये है कर्नाटक का कुछ हिस्सा और ये गोवा वगैरह का हिस्सा, ये पश्चिमी तट पे, ये कोंकण कोस्ट है आपका. इसके ऊपर कर्नाटक और गोवा वगैरह का जो एरिया, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, ये कोंकण कोस्ट में आता है जो हमारे वेस्टर्न तरफ. और कैमूर के हिल मध्य प्रदेश और बिहार में है. ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिहार के सासाराम जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में वहां तक जाता है, तो ये बिल्कुल सही मैच नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है. महादेव की पहाड़ियां सतपुरा में है, सतपुरा की पहाड़ियां सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश वगैरह में बिल्कुल ठीक है. ये ऊपर है आपकी दो पर्वत है हमारे, एक तो है विंध्या और एक है सतपुरा, और विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है नर्मदा नदी और सतपुरा के दक्षिण में बहती है तापी नदी. ये दोनों पश्चिमी तरफ बहती है, यानी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है. तो ये बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है थ्री. और मीकिर की जो पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में है, मीकिर की जो पहाड़ियां हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के पास है असम में, तो ये उत्तर पूर्व में है भारत के नॉर्थ ईस्ट में, ये भी बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है. तो थ्री एंड फोर सही मैच है, आंसर है सी. एक मैप का क्वेश्चन और मैंने डाला है, ये यूपीएससी का जो 2000 का प्रीलिम्स का पेपर था उसमें आया था ये. तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सा लेक है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है तंजानिया और युगांडा. तंजानिया आप जानते हैं अफ्रीका के बिल्कुल बीच में है, यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, डोडोमा राजधानी है इसकी, और एक देश है युगांडा. इनके बीच में कौन सा लेक है, तो मैप देख लो अफ्रीका का, पहले इसको देखो, ये अफ्रीका का मैप आपको ज्यादा क्लियर होगा. तो इसके अंदर ये जो नीचे वाला कंट्री है ये तंजानिया, ऑलमोस्ट सेंटर में ही है अफ्रीका के, और ये वाला जो ऊपर है ये है युगांडा. तो ये बीच में लेक है जिसकी बात कर रहे हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये कौन सा लेक है, तंजानिया और युगांडा के बीच में लेक विक्टोरिया. तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी. तो ये था आज का वीडियो, इसमें 24 और 25 फरवरी के एमसीक्यू कवर किए हैं. कल फिर से वीडियो आएगा शाम को लगभग 6:30-7 बजे के आसपास, जिसमें मैं 26 और 27 तारीख के जो फरवरी के हैं फिर कवर करूंगा, और फिर हम मार्च पे आ जाएंगे. तो बस 15 से 17 दिन के अंदर हम पूरा जो हमारा बैकलॉग है वो खत्म कर देंगे. ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, शेयर जरूर करिए इसे, और जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.